गाइस, किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड साउंड को रिमूव करना वो भी एक क्लिक में काफी आसान है, या अपने वीडियो में जो आपने शर्ट पहनी है उसका कलर चेंज करना लाइक दिस एंड दिस, या गाइस आपको कोई हमशक्ल बनाना है, अपना जुड़वा बनाना है तो आप इजीली कर सकते हैं। एंड गाइस, क्या आपको करनी है अपनी एडिटिंग को फास्ट, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहे। सो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेक एंड टॉक चैनल। आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त मसालेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में 5 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जो कि फिल्मोरा के रिलेटेड है। मतलब कि अगर कोई बंदा वीडियो एडिट करता है या कोई भी बंदा क्रिएटर है तो ये 5 टिप्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं उसके लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जो भी नया बंदा है देख रहा है सब्सक्राइब करके ग्रे कर ले, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहता हूं। सो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं लेके चलता हूं आपको डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, फिर बताता हूं कि कैसे आप सबको फिल्मोरा में वो चीजें करनी है। एंड गाइस लिटरली जितनी भी सारी चीजें करूंगा फिल्मोरा में ही करूंगा, एंड जितने भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं बिल्कुल एकदम हाई एंड ट्रिक्स है। गाइस आपको कोई प्रीमियम प्रो या कोई हाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो गाइस मूव करते अपने वीडियो की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो पहला टिप मैं देना चाहूंगा उसका नाम है क्लोन इफेक्ट ट्रिक। तो गाइस ये आप सब में से बहुत बंदे जानते नहीं होंगे, अपना कोई हमशक्ल या कुछ भी अगर आपको डुप्लीकेट बनाना होता है तो बेसिकली ये भी चीज फिल्मोरा में बन सकती है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट खोल लेना है। आपको क्या करना है, आपको 2 फुटेज लेनी है, या तो आप पॉज करके फुटेज ले सकते हैं या आप कोई 2 फुटेज ले सकते हैं। हाँ, पीछे का बैकग्राउंड चेंज मत करना, बस अपनी पोजीशन को चेंज करना है। तो मैं सिंपली अगर आप सबको दिखाऊं, यहाँ पे मैं पहले अपनी कोई फुटेज ले लेता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक ही फुटेज ली है, मैंने इसको पॉज कर दिया था। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाना है पे, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आप सबको करना है, यहाँ पे आप सबको जहाँ से आपको स्टार्ट करना है आप उसको स्टार्ट करना है। देन यहाँ से आपको जो दूसरा बंदा है, मतलब कि मैं दूसरे टाइम जहाँ पे हूँ वहाँ से आप सबको वो कर लेना है। तो यहाँ से गाइस मैं हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ इसके ऊपर। इसको क्या करना है, इसको दोनों, अब देखो ये 2 फुटेज बन चुकी है, एक ये, या तो आप 2 फुटेज को एक साथ ले सकते हैं या अलग अलग कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट में, यहाँ पे इफेक्ट में जाने के बाद यूनिटी में यहाँ पे आप सबको इमेज मार्क्स मिलेगा, इसको ड्रैग करना है इसके ऊपर एंड इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे वीडियो पे जाना है एंड वीडियो पे जाने के बाद यहाँ पे आप सबको जो मैं कर रहा हूँ ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला सेलेक्ट करते ही आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पे आप सबको दिखेगा कुछ इस प्रकार से। तो जैसे ही आप ये करेंगे आप सबको सिंपली इजीली आप सबको कुछ नहीं, ओके कर देना है। देन आप सब यहाँ पे देखेंगे मैं खुद यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ। ऐसे करके आप सिंपल एकदम मस्त वाली एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी सेकंड टिप है उसका नाम है चेंज शर्ट कलर। बेसिकली बहुत बंदे सोचते रह जाते हैं कि कैसे अपने शर्ट का कलर चेंज करें विदाउट हमारे फेस चेंज हुए। तो सिंपली आप सबको ये भी फिल्मोरा में इजीली मिल जाएगा। आप सबको क्या करना है, अपनी कोई सी भी फुटेज ले लेनी है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा शर्ट जो है उसका कलर चेंज कर दूँ विदाउट मैं अपने शर्ट को उतारे। तो आप सबको क्या करना है, यहाँ पे अपने वीडियो पे डबल क्लिक करना है, कलर वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, इसको कर लेना है ओपन। ये मेन हमारा जो यहाँ पे होगा HSL, इस पे क्लिक करने के बाद आप बेसिकली जो आपका कलर है आप सबको वही कलर को पिक करना है। अब ये मेरा यहाँ पे ब्लू है तो मैं यहाँ पे ब्लू पिक किया। एंड यहाँ पे आप सबको अगर देखो सिंपली जैसे जैसे मैं इसको अप डाउन कर रहा है मेरी कलर चेंज हो रही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा। अब आपके वो शर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, सपोज आपका शर्ट रेड कलर का है तो आप रेड को पिंक में एंड इसमें कर सकते हैं, ऑरेंज है तो येल्लो कर सकते हैं, येल्लो है तो ऑरेंज में कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको इस साइड कर दूँ तो आप सब देख सकते हैं मेरा शर्ट का कलर वो पिंक कलर का हो गया। एंड यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पे आप ऐसे चेंज कर सकते हैं विदाउट आपके फेस या कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज हुए, आप अपने ओनली शर्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल हो सकता है आप सबके लिए, डेफिनेटली ट्राई करना। तीसरे नंबर पे जो टिप है उसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड नॉइस। अब आप सब में से बहुत बंदे को ये सबसे बड़ी इशू होती है, प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके कोई बैकग्राउंड में वॉइस
आ रही है या कुछ बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, तो कैसे उसको कम करें या कैसे उसको हटाएं। अपनी वीडियो को कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इस पे जाना है ऑडियो पे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबको इजिली दिख जाएगा, वन क्लिक में आपकी जो बैकग्राउंड नॉइस है वो रिमूव हो जाएगी। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे आपकी बैकग्राउंड नॉइस जो होगी वो काफी हद तक चली जाएगी। एंड अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा ही नॉइस आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मिड पे इसको रख ले। मिड पे रखने से थोड़ी सी आपकी जो वॉइस होगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे, बट जो बैकग्राउंड साउंड या बैकग्राउंड नॉइस होगा वो हट जाएगा। एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप वीक या मिड पे रखें, स्ट्रॉन्ग में आप सबकी जो साउंड होगी वो काफी हद तक एकदम चेंज हो जाएगी। बट मैं कहूंगा आप सबको, अगर आप सबको वीक पे रखना है रखें, नहीं तो आप सब इजीली यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड नॉइस करके ओके कर दे, तो आपकी जितनी भी बैकग्राउंड की नॉइस होगी वो हट जाएगी डेफिनेटली। एंड मैं बहुत बार ये ट्राई करता हूँ, काफी बेहतर ट्रिक है ये वन क्लिक में करना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ऐसा नहीं होता है। गाइस चौथे नंबर पे जो टिप है उसका नाम है कैसे हम अपनी एडिटिंग फास्ट करें। हम अपनी एडिटिंग को, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो आप कैसे अपनी एडिटिंग फास्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आप सबको आप बताने जा रहा हूँ ट्रिक के कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबको चूज करना है अपनी कोई भी वीडियो को आप सेलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, सपोज ये बीच के पार्ट में मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप सबको क्या करना है, आप सब स्प्लिट करते हैं, देन यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, देन यहाँ पे आप सब स्प्लिट करते हैं, देन यहाँ से आप डिलीट करते हैं। तो ऐसा ना करके अगर मैं आप सबको बोलूँ एक शॉर्टकट कीज बता दूँ जो कि आप सबको एकदम बेहतर होगा, तो सिंपली आप सबको अगर बेसिकली ट्रिम करना होता है या स्प्लिट करना होता है तो स्प्लिट वाला जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बी है। अब जैसे ही कंट्रोल बी करेंगे आप सबको देखना कंट्रोल बी, यहाँ से करके आप डिलीट करेंगे तो आप सबको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपकी जो वीडियो की फुटेज है वो एग्जैक्टली कट जाएगी वहीं से। और आप सबको बहुत सारे शॉर्टकट कीज मिलते हैं, अगर आप सबको शॉर्टकट कीज चाहिए तो यहाँ पे हेल्प के ऑप्शन पे शॉर्टकट की बटन, यहाँ पे आप सबको बहुत सारे शॉर्टकट नहीं मिलेंगे, जैसे रिकॉर्ड वॉइस ओवर ऑल्ट आर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, या आपको शो क्लिप प्रॉपर्टीज करनी है या स्प्लिट करना है जैसे मैंने बताया, ट्रिम स्टार्ट प्लेहेड ऑल्ट स्लैश करके हद तक आपकी जो एडिटिंग है वो काफी तेज हो जाएगी। अगली चीज जो आती है, अगर आपकी कोई फुटेज बड़ी है तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप सब स्क्रॉल करते रहते हैं, आपकी वीडियो चल रही है आप सब ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। बट मैं बताऊंगा आप सबको, अगर अपनी पूरी फुटेज को देखनी है तो यहाँ ये जो टाइमलाइन है इस पे आप सबको लेफ्ट बटन क्लिक करके होल्ड करके ऐसे करना है। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपकी जो जितनी भी फुटेज है या आपकी वीडियो की टाइमलाइन वो स्ट्रेंथ शॉर्ट एंड लॉन्ग होती जाएगी। इससे आप सबको बेनिफिट ये होगा कि आप एकदम देख सकते हैं जहां जहां आपको दिक्कत लग रही है, आप एकदम जूम करके देख सकते हैं, एकदम हट भी सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। एंड बहुत मामलों में क्या होता है कि अगर आप सबको साइड जाना है तो आप जा नहीं पाते, तो आप सबको उसके लिए क्या करना है, राइट होल्ड करके ऐसे साइड करेंगे तो आपकी जो जैसे टाइमलाइन चल रही है एंड आप सब साइड करते रहिए तो ईजिली आप सबको बहुत काम का हो सकता है ये शॉर्टकट। आप सब डेफिनेटली ट्राई करना, अगर आप बेनिफिट होगी, ये आपके टाइम को भी बचाएगी, सेव टाइम करेगी और आपकी एडिटिंग में भी बूस्ट आएगा। गाइस पांचवी टिप है उसका नाम है ऑडियो फेड ट्रिक। अब बेसिकली बहुत बंदो आप सब बहुत जानते होंगे कि आपकी अगर वीडियो एंड हो जाती है या कोई दूसरे आप वीडियो देखते हैं तो एंड होने में आप सबको देखता होगा कि आपकी जो वीडियो या सॉन्ग चल रहा होता है बैकग्राउंड में उसकी भी साउंड धीरे धीरे कम होती है, या आप सब अगर कोई इंट्रो लगाते हैं तो इंट्रो की साउंड ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, तो ये बेसिकली इसको फेड कहते हैं, ऑडियो में फेड लाना। यहाँ पे मेरी अगर वीडियो एंड हो रही है एंड मेरी इतने पार्ट में एंड करना है एंड मेरे को इसमें चाहिए कि मेरी ऑडियो फेड हो जाए, तो आप सब ये जो ऑडियो का सेक्शन है ये वाइट कलर का आप सबको जो चीज़ मिलेगा आप सबको इसको अप डाउन करना है। आप सब यहाँ से भी एंड यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। सपोज आप सबको स्टार्टिंग में यहाँ से अगर आप इसको पुट करके ऐसे कर देंगे तो आपका जो वीडियो होगा वो ख़त्म होने वाला होगा, उसके साथ साथ आपकी जो बैकग्राउंड या आपकी जो वॉल्यूम होगी या म्यूजिक होगा उसकी भी साउंड धीरे धीरे कम होती जाएगी। डेफिनेटली यूज करना ये वाले ट्रिक को, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लुक बना देता है आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए। एंड गाइस वीडियो को एंड करते करते आप सबके लिए एक बोनस टिप लेके आया हूँ। बेसिकली ये बोनस टिप आप कह सकते हैं व्लॉगर्स के लिए काफी बेस्ट होने वाला है। बेसिकली मैं आप सबको बता देता हूँ, सपोज आपका कोई टाइटल है,
आप यहाँ पे एक टाइटल को सेलेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे आप सब टाइटल में कुछ भी लिख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इस टाइटल में ये लिख लिया एंड मैं इसके फॉन्ट को कर देता हूँ चेंज। सपोज मैंने ये वाला फॉन्ट चेंज कर लिया, देन इसको ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले जाने के बाद आप सबको इसको डिलीट कर देना है एंड ले आना है इस वाले टाइमलाइन पे, सेकंड लाइन टाइमलाइन पे। एंड उसके बाद आप सबको क्या करना है, अपनी कोई भी फुटेज लेनी है या आपका कोई भी व्लॉग वाला चैनल है उसकी आप फुटेज ले सकते हो। कि मैंने एक डाउनलोड किया है एंड इसको करना है यहाँ पे ड्रैग, इसको कर लेना है इसके ऊपर। एंड अब आप सबको क्या करना है, अपनी आपने जो अभी अभी स्क्रीनशॉट ली इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे कंपोजिटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही डार्कन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है गाइस, यहाँ पे आप सबको क्रॉप एंड पैन, यहाँ पे आप सबको पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे इसको एकदम पूरा कर लेना है छोटा एंड यहाँ पे एकदम एंड पे कर लेना है। एंड यहाँ पे आप सबको 16:9 का रखना है जो कि यूट्यूब का होता है। अब गाइज अब जब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, मतलब कि आपका जो प्रीव्यू आपका जो व्लॉगिंग होगी कुछ इस प्रकार की होगी, काफ़ी प्रीमियम आपकी बना देगा अगर आप एक व्लॉगर है। तो डेफिनेटली ये बोनस टिप देना चाहता था मैं। तो गाइज होपफुली आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक थम्सअप जरूर दे देना, नीचे कमेंट कर देना पांचों में से कौन सा टिप अच्छा लगा। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय।